साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई फ्लाइट से रिलेटेड, टिकट से रिलेटेड, या फिर फ्लाइटें आपकी क्यों नहीं आ रही हैं, यानी मेन चक्कर है जो फ्लाइट से रिलेटेड है। आज के टाइम का जो टॉपिक चल रहा है यही चल रहा है। चाहे कोई भी कंट्री के हो, मेरे व्हाट्सएप पे दिन में 1000 मैसेज आते हैं, कमेंट में तो पता नहीं कितने मैसेज आते हैं भाई, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो आंसर तो मैं दे ही नहीं पाता। ये तो आप सब लोगों को पता, आंसर मैं नहीं दे पाता भाई इतने लोगों का, समझ रहे हो। तो मैं सोचा चलो पर्टिकुलर एक वीडियो बना के मैं डाल दूँ कि फ़्लाइट से रिलेटेड माजरा क्या है, यानी आपके घर से लेके आपको वापस विदेश से आओगे वहाँ तक की हम बात करेंगे कि ये रियल में मैटर क्या है। लोग बोलते हैं केरला की फ़्लाइटें ज़्यादा क्या है, उस मैटर पर भी बात करेंगे कि उसका लॉजिक क्या है। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा, वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक देख रहे हैं तो भाई फेसबुक पेज को लाइक जरूर कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे। तो साथियों जैसा कि आपको पता है कोरोना अपडेट भाई इंडिया में एकदम पीक पे है, 190,000 से प्लस पॉजिटिव हो चुके हैं आज 1 जून, ये है 31 मई तक का आंकड़ा, ठीक है। और 1 जून को ये मान लो पूरा 2 लाख प्लस हो जाएगा, 1 या 2 जून लास्ट पकड़ लो हो जाता है आज की डेट में, लेकिन कल का डेट दोपहर से पहले हो जाएगा। यानी इस रफ्तार से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। मौत की बात करें तो भाई लगभग 5,500 के करीब मौत हो चुकी हैं, रिकवर भी ठीक हो रहे हैं, हालांकि रिकवर का आंकड़ा ठीक है, लेकिन फिर भी भाई अगले महीने यानी ये महीना जो चल रहा है जून में भयंकर तरीके से उबाल आएगा। तो आप अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कि इंडिया की स्थिति क्या है। अब जो गल्फ कंट्री है ना, ज़्यादातर गल्फ के आने वाले हैं, या 2-4 कंट्रियों को छोड़ के इंडिया उनमें शामिल है, यूरोप कंट्री में मान लो, या फिर उनमें शामिल हो गया। बाकी कंट्रियां धीरे धीरे कंट्रोल होके आप जब इंडिया पहुंचोगे उधर से ख़त्म हो जाएगा कोरोना, सच्चाई ये है। हालांकि पूरा ख़त्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी इंडिया से बेहतर हालात उनके हो जाएंगे। तो भाई देखो टिकट, मेन टॉपिक अपना क्या था, टिकट का। जी हाँ साथियों, टिकट 2-3 तरह की टॉपिक पर हम बात करेंगे। पहली बात तो बहुत सारे लोगों के एक ही सवाल हैं कि सर उस कंट्री की फ़्लाइट कब आएगी, आप हमें बता दो। तो भाई देखिए, जो मैं मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन होती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। दूसरी बात यह कि उस कंट्री की जो मेरे पास शेड्यूल नहीं है उसका मैं कैसे बता दूं कि वहाँ का फ्लाइट कब आएगी। तो आप समझ रहे हो कि मैं नहीं बता सकता, फेक इंक्वायरी मैं थोड़ी दे दूं आपको, मनमर्जी आपको वीडियो बना के डाल दूं या मनमर्जी बता दूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। समझ गए बात को। आप सबसे ज़्यादा कमेंट आप व्हाट्सएप पे करते हो सर फ्लाइट की बताओ, तो भाई फ्लाइट की क्या बताएं। जो इंक्वायरी आप लेना चाहते हो उसके पहले ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ मैं, वो यूट्यूब पे सब के सब पड़े हैं, तो आप उनमें देख सकते हो। अब YouTube पे यार दिन में 500 से लेके 1000 कमेंट आते हैं तो आंसर नहीं दे पाता, आप इस बात को समझ सकते हैं। सेकंड बात हम बात करेंगे साथियों कि फ़्लाइटें उधर क्यों जा रही हैं सबसे ज़्यादा। आज की भी मैंने जो फ्लाइट 3 जून का जो फ़्लाइट शेड्यूल बनाया है, मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा माइंड है ना अलग हो जाता है। पूरी की पूरी फ़्लाइटें उधर जा रही हैं, तिरची अपने साउथ इंडिया की तरफ मान सकते हैं आपको। देखिए उसका मेन टॉपिक क्या है वो राज बता दूं मैं आपको। आप बोलते हैं ये तो मिशन वंदे भारत नहीं है, मिशन केरला है। जी हाँ साथियों, मिशन केरला होने के पीछे रीज़न है। एक रीज़न तो बड़ा रीज़न ये है कि साथियों, जब हमने नाम भी नहीं सुना था गल्फ कंट्रीज़ का या और कंट्रियों का, तब 1970 में वो लोग वहाँ जाके गल्फ में वापस आ गए थे इंडिया। जी हाँ साथियों, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंडिया पूरा उत्तरी में इंडिया अलग कर लो और बाकी उधर के 2-3 स्टेट अलग कर लो। जी हाँ साथियों, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, आपको पता है, आपको नहीं पता क्या? आप इंडिया बाहर रहते हो विदेशों में तो आपको नहीं पता केरला के आपके पास आपके आस पास में कितने लोग हैं, सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो भाई देखिए, स्वाभाविक सी बात है, जो अब दिल्ली में जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए थे, एक दिन में 50,000 रजिस्ट्रेशन हुए टोटल के टोटल केरला वाले, और शुरुआत भी उन्होंने की। सेकेंड ऑप्शन मैं बता दूं कि भाई एक तो एजुकेशन आंकड़ा वहाँ पे बहुत अच्छा है, यानी पढ़े लिखे हैं नेता भी, लोग वहाँ पे पढ़े लिखे हैं, सरकार भी अपने वहाँ पे विदेशियों की बढ़िया हेल्प करती है। और विदेशों में देख लो केरला साइड के ऑर्गेनाइजेशन कितने बने हुए हैं हेल्पिंग के नाम से, मान लो हर चीज़ में केरला वाले आ गए हैं विदेशों में। मैं भी ऑनलाइन पढ़ता रहता हूँ तो केरल फाउंडेशन, फलाना फाउंडेशन, उधर के उधर के फाउंडेशन है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक आंकड़ा बन जाता है। दूसरी बात भाई देखिए, सबसे पहले शुरुआत केरला गवर्नमेंट ने करी थी, ठीक है, वो सहूलियत देती है उनको, समझ रहे हो बात को, आपकी गवर्नमेंट आपको सहूलियत नहीं देती। दूसरी बात, वो गवर्नमेंट खुद चाहती है कि हमारे विदेश के फंसे हुए लोग वापस आएं। जी हाँ साथियों, तो वो खुद केंद्र सरकार के टच में रह के, अपने अधिकारियों के टच में रह के जल्दी से ज़्यादा अपने लोगों को वापस बुलाना चाहती है, क्योंकि उनके लोग भी, सरकार भी समझदार है या उनके लोग ज़्यादा हैं, वो भी कुछ रीज़न है। तो इस वजह से ये मेन जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है फ्लाइट से रिलेटेड। अब हमारे बात करें राजस्थान गहलोत साहब हैं CM है जो, वो अगर केंद्र पे प्रभाव बनाए अपनी जिम्मेदारी के साथ में कि भाई हमारे इतने, हमें इतने फ्लाइटों से, हमें इतने, तो गवर्नमेंट के जेब से पैसे लग रहे हैं क्या? फ्लाइटों के पैसे तो आप दे रहे हो। अगर गवर्नमेंट ये बोल दे, राजस्थान गवर्नमेंट बोल दे, आपकी गवर्नमेंट बोल दे कि हमारे बंदों को वापस आने दो,
जितने भी हैं आने दो, एक साथ में हम सबको हैंडल कर लेंगे। क्वारंटाइन की व्यवस्था तैयार है, पूरा वेंटिलेटर, पूरी सुविधाएं हमारे पास तैयार है। आप तो जितने मर्जी सबको आने दो, तो गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ आप सब 15 दिन के अंदर टोटल आदमी पहुँच जाओगे। लेकिन ये राज्य सरकारें ढिलम ढिला रवैया भाई है। राजस्थान का वीडियो मैंने कल भी डाला था, दिल्ली से जो फ्लाइट आई क्या हालत है, पैसा आपका ऐसी तैसी भी आपकी होनी है, समझ गए? यानी पैसा देने के बावजूद आपकी ऐसी तैसी करते हैं ऑफिसर लोग। ये सरकार की कहीं ना कहीं डुल्ली मुली सिस्टम है, पूरा का पूरा मैं बता दूं आपको, एकदम बेवकूफ़ या बेकार सिस्टम आप इसको बोल सकते हैं। तो आपका, आप फंसे हुए हो, इसका पीछे अपनी राज्य सरकार की गवर्नमेंट का बड़ा योगदान है। अगर वो प्रेशर दें, वो केंद्र सरकार को लिखें कि भाई हमें हमारे इतने बंदों को वापस चाहिए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ वापस पहुँच सकते हो आप। दूसरी बात, वहाँ से आप आ रहे हो, क्वारंटाइन की स्थिति आप देख सकते हो, एक वीडियो और डालूंगा उसमें भी देख लेना। यानी पैसा आप दे रहे हो, उसके बावजूद भी आपको जिल्लतें या परेशानी भोगनी पड़ रही है, बीमारी का खतरा ज़्यादा है। यानी सरकार के अंडर में आने के बाद आप ज़्यादा बीमार हो जाओगे, एयरपोर्ट पे, फिर होटल में सबको एक जगह करना, सुविधाएं नहीं देना, ये वो। शॉर्ट में कहने का मतलब है भाई, फ्लाइटें, रही बात फ्लाइटें की स्टार्ट कब होने वाली हैं, तो मैं बता दूं कि घोषणा जो हो रही थी 3 चरणों में, 1 महीने में 3 चरण होंगे, ठीक है। 3 चरणों में जो लास्ट 3rd स्टेज होगा ना, उसमें फ्लाइटें ओपन होंगी। जी हाँ साथियों, अब 2 चरणों में मेरे हिसाब से, 1 चरण 8 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, 8 जून को, दूसरा चरण हो जाएगा मैं मान सकता हूँ 15 जून के करीब। तो 15 और 20 जून के बीच में इंटरनेशनल फ्लाइटें स्टार्ट होने के पूरे पूरे चांस हैं। जो आंकड़े निकल रहे हैं, जो सरकारी नीतियां जो बता रही है, उसके हिसाब से मैं आप लोगों के साथ ये बातें शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद ने भी तो बोल दिया ना, अंतर्राष्ट्रीय जो सेवाएं हैं, ट्रेन की सेवाएं, तीसरे चरण में हम विचार करेंगे। तीसरे चरण का मतलब समझ गए, 1 चरण 8 तारीख तक का है, दूसरा चरण 12, 13, 15 तारीख के करीब रहेगा, 7 दिन बाद 15 तारीख के करीब, और अगला जो 15 दिन है वो 1 चरण रहेगा, 20 तारीख के ऊपर वाला। तो आप फ्लाइटें 100% 15 और 20 जून के अंदर 100% ओपन हो जानी है। अगर आप वेट कर सकते हैं तो वेट कर लीजिए भाई, क्योंकि आपकी टिकट भी सस्ती हो जाएगी। या फिर फ्लाइटें मान लो अगर स्टार्ट हो जाती हैं, तो 100% फिर टिकटों में फ़र्क आएगा, सस्ती हो जाएगी टिकट। अभी पैसा ज़्यादा लग रहा है आपका, फिर पैसा कम लगेगा। तो अगर 15 दिन निकालने की हिम्मत है तो निकाल लो भाई, वरना फिर सिस्टम जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जैसे नंबर आ रहा है तो आप आ सकते हो। तो बस साथियों, मैंने बता दिया टिकट से रिलेटेड सरकार का सिस्टम पूरा, ये पूरा तामझाम है। अब आप अपने स्तर पे भैया देख सकते हो, इतनी जानकारी इस वीडियो में बात करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।